नमो नियंताण नमो सिद्धाण नमो ऐरियाण नमो वज्जाण नमो निधवदाण केशव पंचानम कारो समभाव अपनासनम मंगलं चतुर्वेशमंगलम मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति मद्राध्याय जैन धर्मस्तु मंगलम अज्ञान तिमिरं दानं ज्ञानं जन सनगा नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शादी के करीबन 10 साल हो चुके थे और न मालूम पति और पत्नी के बीच में इतना मनमोटा हो चुका था कि पत्नी और पति दोनों को लगा अभी साथ में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कई लोगों ने मध्यस्थी होकर के प्रयास किया कि यह संबंध बना रहे, मगर लगा कि अभी संबंध ठीक जाए ऐसी कोई संभावना नहीं है। डाइवोर्स की बात आ गई और न मालूम किसी ने पत्नी को कहा एक बार किसी संत के पास जाकर के तू बात तो कर ले कि मैं क्या कर सकती हूँ, और वो संत के पास चली गई, अपनी पूरी दास्तान बता दी और उसने बात बात में ही बता दिया संत को कि मैं कितनी बार इनको संभालती हूँ, इनका नेचर बेकार है, ऑफिस से लेट आते हैं, सुबह लेट उठते हैं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, और मैं कभी कभी एग्रेसिव होकर के मैं बोल देती हूँ ये मेरी मैं हूँ तो आपको निभाती हूँ, यदि मैं नहीं होती तो आपका पता चल जाता आपको कौन संभालती। और ये संत ने बात पकड़ ली, संत ने इतना ही कहा कि मान लिया कि तू सब कुछ करती है मगर एक बार मैं जो बताता हूँ वो थोड़ा रिवर्स में प्रयोग करना और फिर देख लेना। संत ने जो बात बताई उनके दिमाग में बैठी तो नहीं, मगर संत ने कहा था इसलिए उसने सोचा 10 दिन प्रयोग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तो डाइवोर्स लेना है, अभी लो या 10 दिन के बाद लो। और दूसरे दिन जैसे ही पति की कुछ गड़बड़ हुई और वो एग्रेसिव होकर के बोलने के लिए जाने वाली थी, उसको उसी टाइम संत की बात याद आ गई। अब तक वो ये कहती थी मैं हूँ तो आपको निभाती हूँ, आज पहली बार पत्नी ने पति को इतना ही कहा कि मेरी आपके प्रति प्रकृति इतनी गलत होने के बाद भी आप हो तो मुझे निभाते हो। पहली बार पत्नी के मुझसे ये शब्द सुना और पति हैरान हो गया। एक बार दो बार तीन बार नहीं, एक दिन में पूरा 10 बार पत्नी ने पति को ये कहा कि मैं बार बार नई साड़ी की डिमांड करती हूँ, आप हो तो मेरी डिमांड को निभाते हो, मैं बार बार आप पर चिल्लाती हूँ, आप हो तो मुझे निभाते हो, आपके बिजनेस में लॉस होने के बाद भी मैं अपनी डिमांड कम नहीं करती हूँ, आप हो तो मुझे निभाते हो। सिर्फ 2 ही दिन पत्नी ने जैसे ही ये कहना शुरू किया आप हो तो मुझे निभाते हो, पति का टोन बदल गया। पति ने इतना कहा देख तू है तो मुझे निभाती है, इतनी बदतमीजी होने के बावजूद, मेरा नेचर बिल्कुल बेकार होने के बावजूद, हर क्षेत्र में असमय होने के बावजूद तू है तो मुझे निभाती है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आगे कहने की जरूरत नहीं है, पति और पत्नी ने डाइवोर्स की बात तो खत्म कर दी मगर उसी दिन से पति और पत्नी का संबंध बिल्कुल ठीक से चलने लगा। एक शब्द था पत्नी के मुंह से निकलता था मैं हूँ तो तुम्हें निभाती हूँ, ये शब्द बंद हो गया और ये शब्द शुरू हो गया आप हो तो मुझे निभाते हो। संबंध कैसे टिका जाए ये लॉकडाउन के माहौल में, अंदर अंदर परिवार के बीच में मन मोटा होने लगा है ऐसे बहुत समाचार आ रहे, कोई ऐसे भी समाचार है कि परिवार से पहली बार इतना मिलना हुआ तो सब ठीक ठाक चल रहा है, मगर मैं भी समझता हूँ 40-40, 50-50 दिन से बंद कमरे में एक ही परिवार के मेंबर के साथ रहना और प्रसन्नता बनाए रखना वो इम्पॉसिबल तो नहीं है मगर डिफिकल्ट जरूर है। तो आज पहली बार ये बात चली मैं हूँ तो आपको निभाती हूँ नहीं, आप हो तो मुझे निभाते हो, एक बार परिवार में ये प्रयोग हो सके तो शुरू कर देना। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ बात पति और पत्नी की नहीं है, बाप और बेटे की नहीं है, गुरु और शिष्य की नहीं है, स्टूडेंट और टीचर की नहीं है, ये प्रजा और गवर्नमेंट की भी है। आज प्रजा, हिंदुस्तान की प्रजा भी बोल सकती है नरेंद्र मोदी को आप हो कि कोरोना के सामने टक्कर झेलने की क्षमता आती है
तो नरेंद्र मोदी जी को यही बोलना पड़े कि प्रजा को कि आपका शिस्त है, आपका अनुशासन है, आपका सपोर्ट है, तो इस कोरोना के खिलाफ लड़ने में कामयाबी मिल रही है। माने यहाँ न पति और पत्नी का, न गुरु और शिष्य का, न बाप और बेटे का, न टीचर और स्टूडेंट का, और न प्रजा और गवर्नमेंट का ईगो चलता है। एक दूसरे से कॉपरेट होकर ही संबंध को मेंटेन किया जा सकता है। नंबर वन, सैक्रिफाइसिंग नेचर। जिंदगी में एक बार याद रखना, सैक्रिफाइसिंग नेचर, मेरा बलिदान। मैंने आज तक, अब्दुल कलाम ने भी ये कहा है कि तुम हमेशा यही सोचते हो कि देश ने मेरे लिए क्या किया, तुमने कभी ये नहीं सोचा है कि मैंने देश के लिए क्या कहा, मैंने देश के लिए क्या किया। आज हर व्यक्ति, मैं खुद मुनि जीवन में हूँ, साधु जीवन में हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि जैन संघ ने मेरे लिए क्या किया। मेरे मन में हमेशा के लिए भाव होता है कि जैन संघ ने मुझे इतना संभाला है, तो मैंने जैन संघ के लिए, पूरे देश के लिए, हर जगत के जीवों के लिए मैंने क्या कहा है। तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आज एक तय कर लो, सैक्रिफाइसिंग नेचर। जहाँ भी मौका मिले वहाँ बलिदान देने की तैयारी रखो। आज कोरोना के सामने संघर्ष पूरी दुनिया कर रही है, हमारी आंखों के सामने सब तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक बड़ी पीड़ा भी देखी कल, एक ऐसी भी जगह थी जहाँ खाने के लिए पुलिस ने सब व्यवस्था बनाई रखी थी, आप लेते जाओ खाने का पैकेट, ले जाओ, फ्री में देने की बात थी, मगर वहाँ करीबन लाइन सब होकर के 20 लोगों की थी। आप सोच सकते हो, खाने के लिए लाइन में ओनली 20%, और शराब की बिक्री होती थी, पैसा देकर के शराब लेना था, वहाँ 2-2 किलोमीटर की लाइन। हम समझ नहीं पाते इस देश की व्यवस्था को, इस देश की पब्लिक के नेचर को। फूड महत्व है कि वाइन महत्व है? ये वाइन पीने के बाद मे बी पॉसिबल आप दुख, आप गम, आप पीड़ा और दुख थोड़े टाइम आप भूल भी सकते हो, मगर वाइन वाइन है और फूड फूड है। हजारों परिवार को बर्बाद करने का काम जिस वाइन ने किया है। हम ये सोचते हैं गुटखा खाने वाला अकेला मर जाता है, मगर वाइन पीने वाला तो कितने लोगों को मार देता है मालूम है। आप ये बताओ, वाइन पीकर के ड्राइविंग करेगा वो चलेगा क्या? आप बोलेंगे वाइन पी के ड्राइविंग करेगा उनको पेनल्टी होगी, तो वाइन पीकर के ड्राइविंग रास्ते पे नहीं करना चाहिए। तो वाइन पीकर के घर चलाने वाले को कोई सजा नहीं? एक बाप वाइन पीकर के अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को मार सकता है, वहाँ कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। मगर कल देख लिया, पूरी हिंदुस्तान में शराब की दुकान खुली हुई, 2 घंटे में शराब की दुकान बंद कर देनी पड़ी, और फिर भी करोड़ों, नो डाउट राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की इनकम हो गई, वो इनकम अपनी जगह पे है, मगर एक मेंटालिटी को तय करना पड़ेगा कि ऐसे कोरोना के माहौल में जहाँ कितनी NGO, कितने सामाजिक, कितनी युवा संस्थाओं अपनी इनकम न होने के बावजूद लोगों को भोजन कराने के ख्याल में छुट्टी है, वो जान को खतरे में डाल करके रोड पे निकल के सबको खिलाती है, ऐसी व्यवस्था। कल तो खुद पुलिस ने व्यवस्था की थी कि खाने का पैकेट ले जाओ, और वो लाइन देखी, 20 लोग खाने के लाइन में, और 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन शराब की बिक्री के लिए। ये दृश्य निश्चित तौर से पीड़ा देने वाला है। परलोक बिगड़ेगा, मौत बिगड़ेगी, वो बात नहीं, पूरी जीवन व्यवस्था, फैमिली लाइफ, हेल्थ लाइफ, आप क्या मानते हो? फैमिली लाइफ भी बिगड़ जाती है, और एक आदमी को पीने वाला था और पीने वाला मरने के करीब आया, तो किसी ने पूछा कि अंतिम इच्छा कुछ है क्या? और उसने, अंतिम इच्छा तो मेरी क्या, अंतिम इच्छा बस मैं जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि फिर भी तू कुछ चाहता है भगवान से प्रार्थना करने के लिए? तो उसने बोला, भगवान से एक प्रार्थना तो वो कर सकता हूँ, मगर उसने बोला, भगवान को प्रार्थना करने के पहले जो आया था ना, उसने बोला तेरी आँख यदि दे सकता है, चक्षुदान बहुत महत्वपूर्ण दान है, तो चक्षुदान दे जाएगा तो मरते मरते तेरे नाम से ये उपकार होते रहेगा। वो पीने वाले ने इतना ही कहा, चक्षुदान मैं निश्चित तौर से दूंगा, मगर एक बात, मेरे मरने के बाद आप जिसको चक्षु दो उसको थोड़ा बता देना कि पीने के बाद 2 घंटे के बाद ही आँख खुलती है, तो इतना पहला ख्याल रखना, इतना बता देना। और वो दूसरी बात उसने बताई, भगवान से यदि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ
तो भगवान को इतना कहता हूँ, भगवान ये पीने वाला, भगवान को बोलता है तूने गलती की है। सुनने वाला भी हैरान, और उसने पूछा भगवान ने कौन सी गलती, तू भगवान को क्या मैसेज देना चाहते है? तो उसने बोला भगवान को ये मैसेज देना चाहता हूँ, भगवान तेरी ये गलती थी, तूने मुँह में दांत 32 दिए और लीवर एक ही दिया, आज मैं मर रहा हूँ क्योंकि एक ही लीवर होने के बाद हिसाब से मेरा लीवर डैमेज हो चुका है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान अगले जन्म में तुझे मुझे जीवन दे, तो तेरी गलती सुधार देना, लीवर 32 देना, दांत एक निकाल तो चलेगा, आखिर पीना मेरा काम है, 32 लीवर होगा तो जिंदगी भर पीते रहूंगा। कहाँ गांधी जी कहाँ गए, कहाँ विवेकानंद गए? पूरी युवा पीढ़ी वाइन की शॉप में लगी थी। आपको शायद लग सकता है कि साधु होने के बाद या ऑर्थोडॉक्स के बाद आज के माहौल में कैसे कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ मौत परलोक सदगति दुर्गति की बात करने के लिए आज आपके सामने नहीं आया हूँ। मगर वो युवा जनरेशन को मैं बताऊँ, मैंने ऐसे लड़के को मैं मिला हूँ जलगांव में, जिसका खुद का बियर बार था, और उसने खुद मैंने उनको खुद को पूछा था, दोस्त तेरा बियर बार का अनुभव क्या है, हमारा सब अनुभव बताऊँ। जब बियर बार में लोग दाखिल होते हैं ना, तब मुझे कहते हैं कैसे हो, मजे में हो, सब ठीक ठाक चल रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, कभी कभी हमें भी तो याद करना। गुरुदेव एक बात, बियर बार में जाने के पहले मेरे साथ ये शालीनता से बात करने वाले वो लोग पी करके जब बाहर निकलते ना, तब काउंटर पे मैं खुद बैठा हूँ ना, तब मुझे कहते तेरी माँ को कब भेजता है, तेरी बहन को कब भेजता है। महाराज साहब ये देखो, ये पीने के बाद मैंने तो मेरी बियर बार में बाउंसर रखे उठा करके उनको बाहर फेंक देते। मैंने जब इनको कहा कि ये तुझे बोलते कि तेरी माँ को भेज दे, तेरी बहन को भेज दे, तब तुझे गाली देने का मन नहीं होता है, मारने का मन नहीं होता है? बियर बार के मालिक ने खुद ने बताया था, महाराज साहब दोष उनका नहीं है, दोष मेरा है, मैं वही पिलाता हूँ, तो उनके मुँह से स्तुति तो निकलेगी, गाली ही तो निकलेगी। जब बियर बार का मालिक खुद बोलता है मैं वो पिलाता हूँ, इनके हिसाब से उनका सब दिमाग बिगड़ जाता है। जाने के पहले शालीनता से बात करने वाला वो पीने वाला पी करके निकलता है, तब मेरी माँ और बहन को भेजने की बात बताए। मैं फिर से कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान की यंग जनरेशन को, यदि तुम ये प्रवचन सुनते हो, मेरी आपसे बहुत प्रेम से विनती है, परलोक की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरे सामने तो बात आती है मोक्ष की, सदगति की, समाधि की, सद्बुद्धि की, मगर वो बात आपकी कैटेगरी को देख करके मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, जीवन के लिए फूड महत्वपूर्ण है, वाइन महत्वपूर्ण नहीं है। आप फूड खाकर ये जिएंगे, आपका परिवार भी जिंदा रहेगा, वाइन पी के तुम मर जाएंगे, लीवर तुम्हारा डैमेज होगा, तुम्हारा बेटा अनाथ हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी विडो हो जाएगी, तुम्हारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, चाहे कल जो भी हुआ। पूरे हिंदुस्तान और शिष्ट पुरुष इनकी आंख शर्म से झुक जाए, ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट पे देखने को मिला। खाने का 24 घंटे अवेलेबल था, मगर वहाँ कोई जाने वाला नहीं था, और वाइन की शॉप 2 घंटे में 3 घंटे में बंद हो गई। वहाँ हुल्लड़ हुआ, वहाँ पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा, तूफान हो गया, और वो लोग बोलने लगे ये दुकान बंद ही कर देनी थी, तो फिर हमको लाइन में खड़ा क्यों कर दिया, पुलिस ने व्यवस्था क्या कर दी, गवर्नमेंट ने क्या कराया। मैं समझता हूँ कहाँ कोरोना के खिलाफ लड़ाई, जहाँ एक एक व्यक्ति बम बन सकता है। हम आतंकी तो समझ पाते, सुसाइड बम्बर बन के आता है तो उनके लिए तो व्यवस्था है, आज यहाँ हर आदमी बम का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, कहीं भी गया और कोरोना दे दिया, एक व्यक्ति 300-400 को कोरोना दे सकता है। ऐसे माहौल के बीच में चाहे गवर्नमेंट ने कुछ भी तय किया हो और वाइन की शॉप कल खुली रखी हो, मगर जो रिजल्ट देखा है, मैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और सभी शिष्ट पुरुष को, जिनको इस देश का फ्यूचर को संभालना है वो नहीं कहूँगा, मगर इस प्रेजेंट की दिक्कत में से यदि बाहर निकलना है, कोरोना का इस भयंकर अटैक उससे यदि बाहर निकलना है, ये लाइन, ये कहाँ सोशल डिस्टेंस, कहाँ इमोशनल डिस्टेंस, भीड़ गली गली सबका मुंह खुला, रास्ते पे थूकते चलो और रास्ते पे पीते चलो। कल वो भी तो देखा, पीने वाले ने खुद की पत्नी को मारते रहता था, माँ उनको बचाने के, वो बोला मैं मारूंगा नहीं तो क्या करूंगा, और गेहूं बेच करके उसने दारू लिया,
आप समझते हो कि रिक्वायरमेंट और डिजायर के बीच में कोई फर्क है? फूड वो अपने शरीर को टिकाने की रिक्वायरमेंट है, वाइन तो डिजायर है। तो डिजायर आज रिक्वायरमेंट बन जाए और रिक्वायरमेंट की उपेक्षा करने का माहौल यंग जनरेशन बन जाए वो कतई उचित नहीं है। खैर मैं ये कहूँगा बचना है। गाड़ी का लाइसेंस हम गाड़ी जब तक चलाने को नहीं आती है तब तक नहीं देते, मगर मैं रिपीट करूँगा हम लाइसेंस उनको नहीं दे सकते जिसको गाड़ी चलाने की आती है, गाड़ी बचाने को भी उसको आना चाहिए। तो बायोलॉजिकल माँ बाप बनना तो बहुत आसान है, एक गद्दा भी बायोलॉजिकल माँ बाप बन जाता है और कुत्ते और कुत्ती भी बायोलॉजिकल माँ बाप बन जाता है। माँ बाप बनना एक बेटे का और एक बेटी का माँ बाप बनने के लिए मेंटली भी हमारे पास योग्यता और पात्रता बहुत चाहिए। ये वाइन का नशा कहाँ ले जाएगा आपको, और कोरोना के माहौल में वाइन का नशा हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जोखम। फिर से कहूँ आप अकेले जोखम नहीं उठा रहे हो, पूरे हिंदुस्तान के हर लोगों को आप जोखम में डाल रहे हो। लाखों डॉक्टरों, नर्सिस, म्यूनिसिपैलिटी लोग, पुलिस, अपने परिवार उनको भी आंखों के सामने है। वो भी चाहते मेरे बेटे के पास, मेरी बेटी के पास जा करके मैं बैठ जाऊँ, मगर इन कोरोना के मरीज को बचाने के लिए जान को हाथ में रख करके वो आपको बचाने के लिए निकल चुके हैं, और आप वाइन की दुकान पे खड़े रह करके पूरे हिंदुस्तान को मारने का प्रयास करते। मैं तो मानता हूँ ये तरीके का भयंकर कोटि का अपराध है। मर्डर करने वाला तो दिखाई पड़ता है, रैप करने वाले का भी पता चलता है, मर्डर करने वाले का पता चलता है, रैप करने वाले का पता चलता है, डाका डालने वाले का भी पता चल जाता है, मगर वाइन पी करके अपने पूरे परिवार को, फैमिली व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करने वाला, हेल्थ को भी डिस्टर्ब करने वाला ये अपराध शायद किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। ये कानूनी, मैं तो मानता हूँ इनको अभी रोको प्लीज़। गवर्नमेंट को मेरी ओर से सुझाव है, स्टेट के गवर्नमेंट जो भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा आउटपुट, गलत, गंदा, निकम्मा, बेकार आउटपुट देखने के बाद आपकी आँख खुल जानी चाहिए और आपकी आँख शर्म से झुक जानी चाहिए। एडवोकेट, एजुकेटेड डॉक्टर्स, वकील, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ आप एक थोड़ा प्रयास करके इस युवा पीढ़ी को इस गलत रास्ते में जाने से बचा लो। मैं आज वो मैसेज देना चाहता था, हमारा देश के लिए बलिदान क्या है, बलिदान देश ने तो मेरे लिए बहुत दिया। मैं आपको बताऊँ, सेक्रीफाइसिंग नेचर, एक डॉक्टर को अपनी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज को देखा, वो कोरोना के मरीज को बचा नहीं पा रहा था और अपनी आंखों के सामने उसने कोरोना के मरीज को दम तोड़ते हुए देखा, इतनी पीड़ा हो गई और उसने वो स्टेटमेंट दे दिया, मेरी आंखों के सामने कोरोना का मरीज मर रहा है। हम सब हेल्पलेस महसूस करते हैं, हमें लगता है हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है, और वो युवा डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया। मैं बताऊँ, सेक्रीफाइसिंग नेचर, आप इस डॉक्टर के बलिदान को आंखों के सामने रखो। एक पुलिस रास्ते पे निकलता है, उनको बलिदान को आंखों के सामने रखो और उनको एक बार तो डिस्टेंस रख करके भी पूछो तो सही कि तेरे बेटी और बेटी को कब मिला, इनके सामने तूने स्माइल कब किया, तेरी पत्नी के हाथ से तूने रोटी कब खाई, आपके पास हृदय जैसी कोई चीज होगी, आपकी आंख में शायद आंसू आ जाएंगे। सेक्रीफाइसिंग नेचर, वो डॉक्टर को, वो नर्सिस को क्या क्या कमाल कर दी थी वो नर्स, आज वो भी शायद किसी के घर की बहू होगी, किसी छोटे बेटे की माँ होगी, किसी के घर की लाडली होगी, सब कुछ दाव पे लगा करके वो आपकी सेवा में लगी है। एक बार इनका बलिदान तो देखो, पुलिस का देखो, नर्स का देखो, डॉक्टर का देखो, सफाई कर्मी का देखो, सब्जी वाले का देखो, दूध वाले का देखो, गवर्नमेंट का देखो, और वो लोग जो सोशल डाउन, लॉकडाउन की व्यवस्था को निभाने के लिए अपने ही घर में बंद है, उनका बलिदान को देखो। मैं निश्चित तौर से कहूँगा, एक बार आपकी आंखों के सामने ये बलिदान आ जाएगा, निश्चित तौर से आप भी आपकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और गलत तरीके से वापस आ जाएंगे। मैं कुछ बोलना चाहता था मगर आज कल का जो दृश्य मैंने देखा, सुना, इनकी पीड़ा इतनी थी तो इस पीड़ा को मैंने आज शब्द में व्यक्त की है। आप संत मुझे न भी मानो, आपकी मर्जी की बात, मगर आपका सुख चिंतक हूँ, आपका हित चिंतक हूँ,
आपके दुख करने का, दुख को दूर करने के प्रयास करने की मेरी इच्छा है और उनको लेकर के कहना चाहता हूँ, 2 घंटे के सुख के लिए पूरी जिंदगी के दुख को आमंत्रण देने की गलती प्लीज कभी भी मत करो। सबको, जिम्मेदारों को मेरी ओर से सुझाव है कि ये वाइन की शॉप आपको जो भी उचित लगे उनका उचित पगला लेकर के इस देश की आम जनता को, पब्लिक को बचाते चलो। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कोरोना को लड़ने के लिए जब पूरा देश एकजुट होकर के लड़ रहा है, तब ऐसी छोटी सी गलती बहुत बड़ी भारी पड़ सकती है पूरे देश पर, वो कैसे भारी न पड़े उनके लिए। आज बस इतना ही, सैक्रिफाइसिंग नेचर, उन लोगों के बलिदान को आंखों के सामने रखो और मुझे क्या बलिदान देना है, आप इनकी एक नोट बनाओ। फिर से मैं कहना चाहूँगा, पति और पत्नी का संबंध बच गया, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ये बात खत्म हो गई, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ये बात शुरू हो गई और डाइवोर्स का केस खत्म हो गया। मैं चाहता हूँ रिलेशन मेंटेन करने के लिए यदि थोड़े अहम को, थोड़े व्यसन को नंबर 2 पे रख देना चाहिए, वो सौदा बहुत अच्छा है, सस्ता भी है, वो सौदा को इम्प्लीमेंट करके आपके जीवन को, आपके परिवार को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बचाने हैं, आपका योगदान अच्छा रहे, यही मेरी ओर से शुभ और मंगल कामना। सर्वमंगल मंगल कारण प्रधानमंत्री जय नंदी।